रोहित शर्मा ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें वनडे में 115 रन की शतकीय पारी खेली। इसके बावजूद उन्हें कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को रनआउट कराने पर ट्रोल का शिकार होना पड़ा। रोहित जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो रनिंग बिटवीन द विकेट में गफलत के कारण कोहली और रहाणे ने को अपना विकेट गंवाना पड़ा। वैसे रोहित ने शतक जमाकर भारतीय टीम का स्कोर 250 पार पहुंचाया। भारतीय टीम ने यह मैच 73 रन से जीता, लेकिन रनआउट कराने को लेकर वे दर्शकों के निशाने पर रहे। लोगों ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की। वैसे रनआउट के मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वे अब तक वनडे में 27 रनआउट में शामिल रहे हैं, इसमें से 12 बार वे खुद रनआउट हुए हैं, जबकि 15 बार उनके साथ बल्लेबाजी कर रहा खिलाड़ी रनआउट हुआ। रोहित ने मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के रूप में दिया पत्नी को वैलेंटाइन गिफ्ट। रोहित शर्मा को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी वैलेंटाइन डे रिच। ओपनर रोहित का यह दक्षिण अफ्रीका में पहला और ओवरऑल 17वां वनडे शतक था। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।